हम लोग सिविलियंस उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी और हमारे सदस्यगण सब ने मिलकर हम लोगों ने एक योजना बनाई कि लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को जीविकोपार्जन की बहुत परेशानी हो रही है। रिक्शा चालक हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं और भी जो डेली खाते कमाते थे वो बहुत परेशान थे। तो हम लोगों ने सिविल लाइन उद्योग व्यापार मंडल द्वारा राशन की व्यवस्था की गई है और हम लोग चिन्हित करके राशन में चावल है, दाल है, आटा है, सब्जी भी हम लोगों ने भी रखा हुआ है, प्याज और आलू। इसके साथ साथ हम लोगों ने तेल, मसाला, नमक भी रख दिया पैकेट कि जिसको किसी की दिक्कत ना आए। और कुछ लोगों के लिए हम लोगों ने चाय पत्ती का भी पैकेट रख दिया है कि जिससे कि किसी को परेशानी ना आवे। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि सिविल एंड उद्योग व्यापार मंडल का राशन वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे व्यापारियों ने बहुत साथ दिया और मैं उन व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने राशन वितरण में योगदान किया। और इसके साथ साथ सिविल एंड उद्योग व्यापार मंडल इस आंशिक कर्फ्यू खत्म होने पर एक प्लाज्मा बैंक का निर्माण कर रहा है, जिसका सिविल लाइन सुभाष चौराहे पे जो सिविल लाइन उद्योग व्यापार मंडल का प्रधान कार्यालय है उसमें प्लाज्मा बैंक का एक कार्यालय खुलेगा, जिसमें डाटा हम लोगों सब इकट्ठा कर रहे हैं कि जो भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है उसकी लिस्ट बन जाएगी ग्रुप वाइज और उसके लोगों को एक ये रहेगा कि कौन से किस ग्रुप से है, ब्लड का ग्रुप के उनको प्लाज्मा की व्यवस्था की जाएगी और जो व्यक्ति प्लाज्मा देने में हिचकिचा रहे हैं उनको काउंसलिंग की जाएगी। एक डॉक्टर की टीम हम लोगों ने बात कर रखी है कि मैं उन लोगों की काउंसलिंग कर दूंगा और वो लोग प्लाज्मा देने के लिए राजी हो जाएंगे। और आज के समय पे कोरोना से लड़ने के लिए एक प्लाज्मा और एक टीकाकरण दो ही रास्ता है हम लोगों को बचना है। अगर नहीं तो तीसरी वेव आएगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हम लोगों ने तीसरी वेव की तैयारी के लिए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी सिविल लाइन उद्योग व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो पैसा जमा करके खरीद रहे हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम कोरोना से जीतेंगे, हम व्यापारी मिलकर कोरोना से लड़ेंगे और कोरोना से जीत कर ही निकल कर आएंगे।